दरोड़ा पाटिया केस में हाईकोर्ट ने अपना चुकादा दिया। इस चुकादे में 12 आदमी को जो नीचे जिनका कन्विक्शन हुआ था उनका कन्विक्शन कायम रखा और 3 आदमी को जहां नीचे छोड़ दिया था उसमें भी उन्होंने कन्विक्शन किया और बाकी सबको उन्होंने छोड़ दिया। इस केस में इस जजमेंट में दो चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट हैज गॉन ऑन द थियरी ऑफ कोर्ट जो है वो दो विटनेस की थियरी पर गए हैं। एक आदमी को देखने के लिए अगर दो विटनेस ने बोला और वो जो क्रेडिबल होते हैं उन्होंने बोला तो उनको मान लिया जाता है कि ये मॉब में शामिल थे और ये कार्य करने में शामिल थे। इसी तरह 12 आदमी को 12 आरोपी को एक्यूज को उन्होंने सजा कायम करी और बाकी को उन्होंने छोड़ दिया। 3 जन बाबू बजरंगी, प्रकाश राठौड़ एंड सुरेश लंगड़ो छारा, वो 3 जन का उन्होंने 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी लगाया है क्योंकि उन्होंने जो तहल का जो न्यूज़पेपर है तहल का वहाँ उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, वो स्टिंग ऑपरेशन को नहीं माना, वो जो सीरीज वगैरह थी क्योंकि वो दूसरी केस में थी आई थी, लेकिन तहल का के एडिटर मिस्टर आशीष खेतान उन्होंने जुबानी दी थी और उन्होंने उसने क्या बोला था वो उन्होंने बोला था। इसी बेस पर उन्होंने ये 3 जन को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये सब करने के लिए उन्होंने जो प्लान रचा था ये 3 जन ने रचा था ऐसा उन्होंने माना है और सबको 21 साल की सजा विदाउट रेमिशन जो 12 आदमी और थे उनको 21 साल की सजा विदाउट रेमिशन। जो सजा है उसमें कटौती हुई है, मृत्यु पर्यंत की सजा हुई थी, हाँ सजा के 21 साल की क्या वजह है और माया पोषण को छोड़ा उसकी क्या वजह रही? दो आदमी पहला का जवाब दूंगा मैं, बाबू बजरंगी का। बाबू बजरंग को कोर्ट ने ऐसा बोला कि बाबू बजरंग ने जो किया है वो दूसरे से कोई ज्यादा नहीं किया है, दूसरे ने अगर 2-3 आदमी को मारा मॉब लेके गए तो ये भी ऐसा ही है, तो उसमें सजा में कोई तफावत नहीं होना चाहिए। दूसरे को 21 साल दे रहे हैं तो इसको भी 21 साल देना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने 21 साल ऐसी ले दिया कि पैरिटी, देयर शुड बी अ पैरिटी, बराबर पैरिटी ऑफ सेंटेंस ऐसा होना चाहिए ऐसा उन्होंने बोला। और माया कुंडानी के सामने 11 एविडेंस थे विटनेसेस जिन्होंने बोला था कि माया कुंडानी वहां 9 से 9:30 के बीच या 11 के बीच वहां पे थी और आके भाषण करके चली गई, लेकिन ये जो 11 विटनेसेस थे इसमें कॉन्ट्राडिक्शन था, किसी ने बोला ये साइड ऐसा आई, किसी ने बोला उस साइड से आई, किसी ने बोला गाड़ी में आई, किसी ने बोला चलती आई, तो ऐसे केस में उनको मानना जोखिम है इसे नहीं मान सकते। और पुलिस विटनेस एक भी पुलिस विटनेस ने ऐसा नहीं बोला कि हमने माया कुंडली को वहां देखा, हालांकि बाबू बजरंग की प्रकाश राठौड़ एंड सुरेश लंगड़ो में 5 पुलिस ऑफिसर ने बोला था कि हमने उनको यहां देखा, तो कोर्ट बिलीव पुलिस विटनेस। देखो एसआईटी की बात ऐसी है, अब एक समझने की बात करो, ये इंसिडेंट हुआ 2002 में, ये इंसिडेंट हुआ 2002 में, 2002 में जो इंसिडेंट हुआ वो उसका जो स्टेटमेंट लिए सब किए, देयर वॉज ए लॉट ऑफ ऑपोजिशन दैट इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह नहीं चल रही है, वन साइडेड चल रही है, गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट, तो सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने पिटीशन दाखिल और उन्होंने ऑन बेसिस ऑफ द लेटर्स एंड एवरीथिंग विच इज रिसीव्ड और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की स्थापना की 2008 में। अभी 2002 का इंसिडेंट है और उसका जो भी एविडेंस है, जो भी क्योंकि जलाया गया है जो भी है वो तो सब खत्म हो गया, 2008 में तो सब पूरा नया हो गया था, तो एसआईटी के पास इतना मटीरियल ही
ज्यादा नहीं था एक्सेप्ट विटनेसेस को बुला के उनका स्टेटमेंट। देयर वाज नो अदर मटेरियल। एंड एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी जाती थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने लास्टली बताया कि वी आर सेटिस्फाइड विद एसआईटी इन्वेस्टिगेशन। तो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में कोई, लेकिन टाइम की वजह से देखो 6-7 ईयर्स हैव गॉन एंड अप विद इन 7 ईयर्स एवरीथिंग चेंजेस। तो टाइम की वजह से ये होता है, इसमें एसआईटी का कोई बात नहीं। कौन सी चीजों का बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है वो मैंने बताया, अभी अभी आपको फिर से बताता हूँ। एक इसकी थीरी थी कि माया कुंडानी का नाम पहले कभी आया ही नहीं था, पहले कभी आया ही नहीं था। नहीं बिकॉज ये प्रश्न पूछे मेरे, माया कुंडानी का नाम 2002 में आया ही नहीं था, उनका पहली बार नाम 2008 में आया, पहली बार इन लेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीआईएसआईटी। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू से कि जो देखो आपके साथ अगर कोई हादसा होता है तो आप पहले नाम बोलेंगे भाई प्रशांत भी आए थे बराबर, उन्होंने मुझे चांटा मारा ऐसा, जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो यू विल गिव माय नेम। ऐसा किसी ने नाम नहीं दिया था। और 2008 में आए और कोर्ट ने ऐसा बोला कि जी टाइम पीरियड में 2002 के 2008 के बीच बहुत सारी एजेंसीज हैव कम अप एंड therefore it is very difficult to this public private institution ko manna nahi abhi to kyunki judgment to pura mar hath mein aaya hi nahi hai kyunki wo to 3000 pe iska judgment hai wo to aayega to ek mahina to khali padne mein lagega lekin jaise bola court ne isme aisa kuch nahi laga isne bola ki trial court ne jo police witnesses nahi mane the humne mane isse aage kuch unhone nahi bola। सर द एसआईटी हैड सॉट एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंसेस फॉर दोज हु वर एक्विटेड इन अदर पर्पस। देयर नाउ दैट दिस ऑर्डर हैज बीन गिवन वी विल अप्रोच अ हायर लेवल। आई डोंट नो, दैट वाज द गवर्नमेंट, एसआईटी एंड गवर्नमेंट विल डिसाइड बिकॉज़ एसआईटी विल मेक अ रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट देयर आफ्टर एंड दे विल हैव टू गिव ओपिनियन आफ्टर रीडिंग एंटायर जजमेंट। तो हमको पूरा जजमेंट पढ़ के उनको देना पड़ेगा, बाद में नक्की करेंगे करना है नहीं करना है, मैं आज तो नहीं बता सकता ये। आई एम सॉरी, द पीपल हु आर कन्विक्टेड, नाउ आई स्पीक आउट टू इंग्लिश, व्हाट आर देयर वेज ऑफ अप्रोचिंग अ हायर कोर्ट टू सीक सम रिलीफ? पीपल हु आर कन्विक्टेड दे विल हैव टू फाइल एन अपील, स्पेशली हैव टू अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज एंड फॉर एडमिशन। एट दैट टाइम दे कैन प्रे फॉर बेल ऑल्सो, बट if there are two concurrent finding the court will think over whether to grant bail or not, appeal will have whether admitted or not admitted to the Supreme Court will decide, right? Sir, in English now everything is done in English, abhi mere ko wapas bolna padega, yes sir, maya koi nahi hai naam se, okay now so far as so what इंग्लिश कैसा नाउ सो फार एज माया कुंडानी इज कंसर्न द कोर्ट हैज हेल्ड दैट देयर वेर 11 विटनेसेस हु हैव डिपोज्ड अगेंस्ट माया कुंडानी दैट शी वॉज प्रेजेंट बिटवीन 9 to 9:30 ऑन अ गिवन डे एंड एट 11 o'clock, बट देर आर कॉन्ट्राडिक्शन। वेदर शीट ने लास्टली बताया कि वी आर सेटिस्फाइड विद एसआईटी इन्वेस्टिगेशन। तो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में कोई, लेकिन टाइम की वजह से देखो 6-7 ईयर्स हैव गॉन एंड अप विद इन 7 ईयर्स एवरीथिंग चेंजेस। तो टाइम की वजह से ये होता है, इसमें एसआईटी का कोई बात नहीं। कौन सी चीजों का बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है वो मैंने बताया, अभी आपको फिर से बताता हूँ। एक इसकी थीरी थी कि माया कुंडानी का नाम पहले कभी आया ही नहीं था, पहले कभी आया ही नहीं था। नहीं बिकॉज ये प्रश्न पूछते मेरे, माया कुंडानी का नाम 2002 में आया ही नहीं था, उनका पहली बार नाम 2008 में आया, पहली बार इन लेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीआईएसआईटी। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू से कि जो
देखो आपके साथ अगर कोई हादसा होता है तो आप पहले नाम बोलेंगे, भाई प्रशांत भी आए थे बराबर, उन्होंने मुझे चांटा मारा है, जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो यू विल गिव माई नेम। ऐसा किसी ने नाम नहीं दिया था। और 2008 में आए और कोर्ट ने ऐसा बोला कि जी टाइम पीरियड में 2002 के 2008 के बीच बहुत सारी एजेंसी हैव कम अप एंड देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू दिस पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मानना। नहीं अभी तो क्योंकि जजमेंट तो पूरा हमारे हाथ में आया ही नहीं है, क्योंकि वो तो 3000 रुपए का जजमेंट है, वो तो आएगा तो एक महीना तो खाली पढ़ने में लगेगा। ठीक है सर, आज गुजरात हाईकोर्ट के चुकादा को जो खास के कितना आरोप के दोषी तेरह कितना निर्दोष है, आज टोटल 15 आरोपियों ने दोषित ठेरवामां आव्या छे, जेमां 12 आरोपियों जे ऑलरेडी ट्रायल कोर्टे दोषित ठेरवेला एमने हाईकोर्टे पण दोषित ठेरव्या छे, अने 3 जे लोकोने एक्यूज करवामां आव्या छे, ए लोकोने निर्दोष ठेरवामां आवेला એ 3 જણને પણ એક મિનિટ ઉભો રહેજો ભાઈ, ઓકે, જે 3 જણને નિર્દોષ ઠેરવામાં આવેલા એ 3 લોકોને પણ નાંદર હાઈકોર્ટે દોષિત ઠેરવ્યા છે, એટલે કુલ 15 આરોપીઓને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે। માયાબેન કોડનાણી ને બે મુદ્દા પર નિર્દોષ ઠેરવવામાં આવ્યા છે। એક તો એમની સામે જે પુરાવો છે 11 વિટનેસીસ એટલે 11 સાહેદો, એમનું જે કોર્ટની સમક્ષ જે ડિપોઝિશન છે એ ઇનકન્સિસ્ટન્ટ છે, કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે, એટલે કોર્ટે નામદાર હાઈકોર્ટે માન્યા નથી। 11 વિટનેસો એવું કહે છે કે માયાબેન વ્હાઈટ મારુતિ કારમાંથી નીચે ઉતર્યા હતા, કે જે વર્ઝન છે એ વર્ઝનને પોલીસ સપોર્ટ કરતી નથી, પોલીસે ક્યારે કોઈ બી પોલીસે કહ્યું નથી કે માયાબેન આ સમય દરમિયાન આવ્યા હતા। એટલે બે મુદ્દાને ધ્યાનમાં લઈને નામદાર અદાલતે માયાબેન કોડનાણીને નિર્દોષ કર્યા છે, બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ આપ્યો। બાબુ બજરંગીને આ કેસમાં સજા ઘટાડવામાં આવી છે અને મોટી રાહત મળી છે, કેસ સુધી સજા કરવામાં આવી, મોટી રાહત નથી મળી। એમણે જે 25 વર્ષમાંથી 21 વર્ષ કરવામાં આવ્યા છે, અમારી એનહેન્સમેન્ટ અપીલ હતી જે કોર્ટે માન્ય નથી કરી, એનું એક કારણ એ પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે 21 વર્ષ તો એમને આપેલા છે, અમારી એનહેન્સમેન્ટ અપીલ એવી હતી કે એમને જિંદગી પર્યંત અંદર રાખવામાં આવે, પણ નામદાર કોર્ટે એવું કહ્યું કે અત્યારના સંજોગોમાં એ માનવા જેવું નથી, અને હ્યુમન રાઇટ્સના પણ કેટલાક નીતિ નિયમો હોય છે, એટલા માટે એમને બાબુ બજરંગીને કોઈ રાહત આપી નથી, 21 વર્ષની સજા તો કરી છે। જે દોષિત 12 દોષિતને 21 વર્ષની સજા ઠેરવવામાં આવી છે, 3 દોષિતને મે મહિનામાં એમની સજા માટે સાંભળવામાં આવશે। એ તો ઉપરવાળા નક્કી કરશે, અમે તો અમારો ફક્ત અભિપ્રાય આપીશું।